जय हिंद। आइए आप लोगों को आज हम बताते हैं हिंदी के कुछ खास बातें। इसमें आप लोगों को शुद्ध शुद्ध बोलने भी आएगा, शुद्ध शुद्ध पढ़ने भी आएगा और शुद्ध शुद्ध लिखने भी आ जाएगा कि कैसे लिखेंगे, और अधिकतर आपकी जो गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी। तो हमारा कुछ एक्सपीरियंस है जिसमें आप लोग देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि बिंदु लगा हुआ है, जिसको अधिकतर लोग आधा न समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। आप खुद देख लीजिएगा। आज देखिए पंकज लिखा हुआ है, तो अगर कोई कहे कि इसमें का बिंदु हटा कर लिखिए तो बहुत लोग गलती करेंगे। क्या है क है, क का यानी कि क वर्ग का, ख अंग का पांचवा अक्षर क्या होता है, अंग। तो ये जो बिंदु हटेगा तो ये अंग का रूप ले लेगा, यानी कि पंकज ऐसे होगा, कंचन है। तो अगर ये बिंदु हटाएंगे तो इस बिंदु के बाद का जो वर्ण है वो है च, और च वर्ग का पांचवा अक्षर होता है इय। तो ये बिंदु किसके रूप में आ जाएगा, इय के रूप में। जैसे अगर हम लोग मृत्युंजय लिखते हैं, मृत्युंजय, बहुत लोग अगर कहें कि अगर ये बिंदु हटा कर लिखिए तो ये जो बिंदु है वो किस रूप में आ जाएगा, ज का पांचवा अक्षर, यानी जैसे इय का पांचवा अक्षर हो जाता है इय। तो ये हो जाएगा मृत्युंजय। जानते हैं ये जो बिंदु है वो इय के रूप में क्यों आ गया, क्योंकि बिंदु के बाद वाला जो अक्षर है उसका पांचवा अक्षर में ये चेंज होता है। ये जो बिंदु है आगे वाले जो वर्ण रहता है उसका पांचवा अक्षर का रूप ले लेता है। ये जैसे संत लिखा हुआ है तो यहाँ पर आगे का क्या है, त है, त वर्ग, और त वर्ग का पांचवा अक्षर होता है न, यानी कि जो बिंदु है वो न का रूप लेगा, हो जाएगा संत। खम्भा है तो आधा न नहीं देते हैं, यहाँ पर हम आधा म देते हैं। क्यों, क्योंकि भ, भ का पांचवा अक्षर जो होता है वो म होता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द देख रहे होंगे आप लोग, तो हम लोग इसको हमेशा बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, आखिर ऐसा क्यों पढ़ते हैं, ये भी जानिएगा। इसको हम लोग स्थिति पढ़ते हैं, स्थान पढ़ते हैं, स्थल पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, क्यों। यहाँ पर देखिए स्थिति, स के बाद थ है, थ में जो मात्रा है वही मात्रा पहले आ जाता है, जैसे थ में छोटी का मात्रा है तो ये छोटी हम लोग पहले बोलते हैं स्थिति। यहाँ पर है बहुत लोग स्थान बोलते हैं लेकिन ये गलत है, थ में आ का मात्रा है तो आ पहले आना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्थान, ये सही है। यहाँ स्थल है, थ में अ छुपा हुआ है तो अ पहले आ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं स्थल, ये तो सही है। स्कूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कूल। यहाँ पर स के बाद क है, और क में बड़ा का मात्रा है तो ई बोलेंगे तो गलत होगा, हमको बोलना चाहिए स्कूल, क्या बोलना चाहिए, स्कूल, क्योंकि क में बड़ा का मात्रा है तो हमें बड़ा को पहले बोलना चाहिए। तो ये जान लीजिए कि आधा स के बाद जो अक्षर रहता है उस अक्षर में जो मात्रा रहेगा वही मात्रा हम पहले लगा कर बोलेंगे, तो ये सही होगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग पढ़ते थे लेकिन ये नहीं जानते थे कि क्यों ऐसा बोलते हैं, तो आज आप लोग ये जान गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो इसमें छोटी का मात्रा है, जैसे कि इसमें सब में बड़ी है, सब छोटी ही हो जाता है, जैसे लड़की का, लड़कियां, बेटी का, बेटियां, कुर्सी का, कुर्सियां, और बिल्ली का, देख रहे हैं सब में छोटी का मात्रा हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपने हिंदी की कुछ गलतियों को सुधार सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ढ दो तरह से लिखा जाता है, एक ऐसे ढ रहता है और एक ऐसे, एक के नीचे बिंदु रहता है, एक के नीचे बिंदु नहीं रहता है। तो आप लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये ऐसा क्यों रहता है या इसका यूज कहाँ पर होता है, तो आज आप लोग जान जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ मिलेगा इसमें। तो ये ढ है, तो अगर ढ अगर हम जैसे नीचे बिंदु है तो ढ अगर कहीं किसी शब्द में बीच में आता है या लास्ट में आता है तो उसमें इस तरह का ढ बनता है जिसके नीचे बिंदु रहता है, जैसे मेढक, तो इसके नीचे बिंदु रहेगा, या ओढ़नी, तो इस ये बीच में है बिंदु, बीच में है ये ढ, इसलिए इसके नीचे बिंदु रहेगा। लेकिन जिस ढ का यूज हम पहले करते हैं, जैसे ढोलक, तो यहाँ इस ढ में
नीचे बिंदु नहीं रहेगा, या ढक्कन, तो यहाँ भी नीचे बिंदु नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ढ का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के होते हैं तो ये पूछते हैं कि सर उसका भाई, यहाँ उसका लिखें कि उसकी लिखें? बाबू यहाँ पर आगे देखो क्या है, आगे हमारा पुलिंग है तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, उसका, ना कि उसकी लगेगा। अगर यहाँ पर बहन रहता, स्त्रीलिंग रहता, जैसे तो हम यहाँ पर लगाते उसकी, उसकी बहन, यहाँ पर क्या लग जाता, उसकी बहन। तो की क्यों लगा है यहाँ पर, उसकी क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो आगे वाले वर्ड को देखकर पीछे वाला का चेंजिंग हम लोग करते हैं, या मेरा कुत्ता ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या है, पुलिंग है तो यहाँ पर मेरा। लेकिन अगर यही स्त्रीलिंग हो तो यहाँ पर जैसे गाय है तो यहाँ पर लगाएं क्या, मेरी गाय, क्यों, क्योंकि आगे स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मेरी गाय। देखते हैं कि तीन ठो स है, पहला स, दूसरा स, और ये है हमारा तीसरा स। इसका यूज हम लोग अधिकतर च वर्ग के पहले करते हैं। किसका, शरीफा स, शरीफा स का जो यूज हम लोग करते हैं अधिकतर च वर्ग के पहले, यानी कि चस या के पहले शरीफा स अधिकतर आता है। जैसे निश्चित, निश्चल, तो इस तरह से च वर्ग के पहले अधिकतर हम लोग शरीफा स का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं ये वाला स जो है षटकोण स, तो इसका यूज अधिकतर ट वर्ग के बाद होता है, ट वर्ग के पहले, ट वर्ग के पहले, जैसे ट ठ ड ढ ण। तो जैसे दृष्टि, या सृष्टि, या पृष्ठ, तो इस तरह से ट वर्ग के पहले अधिकतर हम लोग षटकोण स का यूज करते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग इसका यूज। नेक्स्ट अब आते हैं सपेरा स, तो उसका यूज अधिकतर हम लोग त वर्ग के पहले करते हैं। त वर्ग के पहले किसका यूज करते हैं, त थ द ध न, इसके पहले अधिकतर हम लोग सपेरा स का यूज करते हैं। जैसे सस्ता, पस्ता, स्थान, स्थिति, इस स का ही यूज करते हैं। अधिकतर हम लोग की लिखते हैं, की, तो समझ में नहीं आता है कि छोटी वाला लिखें कि बड़ी, छोटी के मात्रा वाला लिखें कि बड़ी के मात्रा वाला, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो याद रखिएगा अधिकतर क्या होता है कि माना कि डॉट डॉट आगे कुछ भी हो, या है, वह कहता है कि, या उसने कहा है कि, तो इसमें छोटी का मात्रा है, इसमें भी छोटी का मात्रा है, या वह कहता था कि, या वह कहती थी कि, तो ऐसे जब कोई दो सेंटेंस शुरू होता है और वहाँ पर की से जोड़ा जाता है तो की में छोटी का ही मात्रा होता है, की में छोटी का मात्रा होता है, और बाकी कहीं भी अगर की आ जाए तो उसमें बड़ी का ही मात्रा होगा। जैसे राम की गाय, तो यहाँ पर कौन सा मात्रा है, बड़ी का, कहीं भी, ये बस यही है छोटी का मात्रा होता है, बाकी अगर कहीं की आए तो समझ जाइए कि बड़ी का ही मात्रा होगा। राधा की बहन, इसके बाद दो सेंटेंस जहाँ पर जुड़ रहा है वहाँ पर जब की रहता है तो छोटी का मात्रा रहता है, बाकी हर जगह बड़ी का मात्रा। यहाँ पर द पूरा दिख रहा है लेकिन पूरा द नहीं है, आधा द है, जो आधा दिख रहा है वो पूरा वह है। देख लीजिए जैसे द्वारा, आधा द आ रहा है पहले, और वाह, वाह तो पूरा आ रहा है, वह में आ का मतलब पूरा आ रहा है, और वह में आ का मतलब द्वारा, देख रहे हैं। अभी हम इसको लिखें, जैसे कि यहाँ पर है प्रसिद्ध, तो आधा द है, आधा पूरा है, प्रसिद्ध, ध ध पूरा आ रहा है लास्ट में। अगर ये विद्यालय है तो इसमें तो दो वर्ण मिला हुआ है,
जैसे वी आधा द आई में आग दया अल विद्यालय, विद्या का घर विद्याधनालय। तो यहाँ पर द आधा है और य पूरा है, ये दोनों मिलकर बना है विद्यालय। यहाँ का जो ध होता है वो इस ध जैसा नहीं होता है, यहाँ का ध कुछ अलग होता है, इस तरह से होता है, जैसे ये ध है और ये अलग, ठीक है। तो यहाँ युद्ध है, तो युद्ध में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, युद्ध आधा द आ रहा है, आधा पूरा है, युद्ध ध आधा द आ रहा है। ये ब्रह्मा आप देख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा देख रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा भी आधा ह है आ म पूरा है, ब्रह्मा देख रहे हैं। तो इस तरह से कुछ हिंदी के वर्ड होते हैं जो दिखते तो आधा हैं लेकिन आधा नहीं होते, और दिखते पूरे हैं लेकिन पूरा नहीं होते। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जान लीजिए छोटा ऊ का मात्रा है या बड़ा ऊ का मात्रा है या छोटी ई है या बड़ी ई। ई का जो ये मात्रा होता है ये कब होता है, कैसे होता है, तो सिंपल है, जिस शब्द के उच्चारण में कम समय लगे उस वहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा है, जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसमें बड़ा ऊ होता है, चाहे वो छोटी ई हो चाहे बड़ी। छोटी में भी कम समय लगता है, बड़ी में ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि अगर हम कीमत लिखते हैं, कीमत तो क में बड़ी का मात्रा ही देते हैं, या दीपक लिखते हैं, दीपक तो बड़ी का मात्रा, ज़्यादा समय लेता है उसमें बड़ी का ही मात्रा होता है। या ऊंचा, या अगर हम नीचा देखें तो ये बड़ी का मात्रा हो जाए नीचा, ऊंचा में बड़ा ऊ का मात्रा, या ऊपर। तो ये कुछ बड़ा ऊ या बड़ी ई का मात्रा है, और छोटा ऊ उल्लू। अब यहाँ पर देख लीजिए कुमार, जिसमें कम समय लगता है उसमें छोटा ऊ का मात्रा रहता है, जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसमें बड़ा ऊ का मात्रा लगता है। ये किसान लिखते हैं तो इसमें छोटी का मात्रा, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं बोलते हैं किसान, झट से बोल दीजिए, जैसे कि बड़ा ऊ का मात्रा है दूध, फूल या दूर, तो या पूरा, तो बड़ा ऊ जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसमें हम लोग बड़ा ऊ का मात्रा देते हैं या बड़ी का मात्रा देते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा ये सब देख लीजिएगा, ये तो मात्रा है, इसके तो बोलने पर मालूम चलेगा, बाकी आप लोगों को जो समझा दें उसको ध्यान में रखिएगा तो बहुत सारी गलतियाँ सुधर जाएंगी। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।